नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडुजेट। जनपद उन्नाव में एक साथ राजस्व कर्मियों को लगे कोरोना वैक्सीन के टीके। वैश्विक महामारी कोविड-19 को मात देने के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिकृत राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को कोविड-19 के टीके युद्ध स्तर पर लगाए गए, जिसमें जनपद के सभी अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए। जानकारों की माने तो जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा में कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव के लिए आए टीके राजस्व विभागीय लोगों को लगाए गए। कोविड-19 वैक्सीनेशन की तीसरी खेप का टीका शुक्रवार को अपर जिला अधिकारी उन्नाव राकेश सिंह को जिला अस्पताल में पहला टीका लगाया गया। वहीं पूर्वा तहसील के उप जिला अधिकारी राजेश प्रसाद चौरसिया को स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा में पहला टीका लगाया गया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा का जिला मलेरिया अधिकारी नोडल अधिकारी ब्लॉक प्रभार रमेश चंद्र यादव, सीएससी प्रभारी डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव ने निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समाचार रेडियो जेट के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। मैं अंकित शुक्ला हूँ, जिलाधिकारी उन्नाव। आज मेरा कोविड वैक्सीनेशन हुआ है और मुझे वैक्सीन लगवाए हुए आधा घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कोविड शील्ड हमारी वैक्सीन है, ये बिल्कुल ही सेफ है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर कोविड वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस तरीके से कोविड को भारत से भगाने में अपना सहयोग दें। मैं चंदन कुमार पटेल, सिटी मजिस्ट्रेट उन्नाव। आज कोविड वैक्सीन मुझे लगाया गया है और कोविड वैक्सीन लगाने के बाद से मुझे 20 मिनट हो गया है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। किसी प्रकार का कोई भी एंजाइटी नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है और मैं ये भी अपील करूँगा सभी लोगों से कि जो वैक्सीन को लेके जो भ्रांतियां हैं उससे अपने आप को अलग करें। ये भारत सरकार द्वारा ICMR द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसको जरूर लगवाएं। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, मैं अपर जिलाधिकारी उन्नाव वित्त और राजस्व हूँ। अभी आज 5 तारीख को मेरा कोविशील्ड का टीका लगा है और मुझे आधे घंटे हो चुके हैं और मुझे कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि टीकाकरण के इस महाअभियान में अपना योगदान दें। मैं राजेश प्रसाद चौरसिया उप जिलाधिकारी के पद पर पूर्वा में तैनात हूं। मैं अपने कर्मचारियों तथा जनता से अनुरोध करता हूँ कि कोविशील्ड के अंतर्गत जितने भी लोगों को टीकाकरण का कार्रवाई चल रही है वो स्वयं आगे बढ़कर टीकाकरण के कार्रवाई में भाग लें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है तथा उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये कराना नितांत आवश्यक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और जैसा कि मैंने 10 बजे लगवाया था अभी भी 12 बज गया है, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुआ, न चक्कर आया, न किसी तरह के ठंडक लगी, न गर्मी महसूस हुई। मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और अपना काम बखूबी निपटा रहा हूँ। इसमें किसी तरह की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः एक बार अपने कर्मचारियों और जनता से अनुरोध करता हूँ कि कोविशील्ड का टीकाकरण अवश्य लगवाएं। जाएंगे आज जनपद उन्नाव में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 5 सेशन आयोजित किए गए थे, जिसमें हमारे कई अधिकारियों कर्मचारियों ने लगवाया और मैंने भी आज कोविड वैक्सीन लगवाई है। आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में मैं था, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। बहुत मेहनत के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको लगवाने में कोई समस्या नहीं है। जब भी जिसका टर्न है जरूर लगवाएं। थैंक यू।